अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अभी भाई 12 बजे का टाइम हो रहा है और उठ तो मैं पहले ही गया था, नाश्ता वगैरह भी कर लिया। और भाई आज मैंने सोचा है कि काफ़ी दिन के बाद पंजाब जाने से पहले ही मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी बाइक बनाऊंगा, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था। बार बार बाइक का काम होता है, कभी बाजार जाना होता है, कभी किसी और काम से जाना होता है। तो खैर मैंने आज सोचा है कि आज खोल ही लेता हूँ। ऐसे अगर रोज सोचता रहूंगा कि यार आज भी काम है, आज भी काम है, तो एक दो दिन पैदल गुजारा कर लेंगे पैदल आ जाकर, क्योंकि उसका इंजन है जो इंजन जो है ना वो बिल्कुल एंड हो चुका है। मतलब कि दो बंदों का लोड नहीं उठाती है गाड़ी, पापा और मैं जाते हैं तो बहुत स्लो चलती है। तो फिर मैंने सोचा है कि आज खोलता हूँ उसको और फिर उसको आज आज ही आज मैं बनाता हूँ या फिर 2 दिन लगेंगे। काम तो मैंने खैर पूरा सीखा हुआ है, मेरे पास पास औजार भी हैं, घर के अंदर ही मौजूद हैं। तो मैं खुद ही अपनी ये गैलरी में खोल लूँगा, ये जो बाहर गैलरी है काफ़ी दफ़ा दिखाई है मैंने, झाड़ू भी लगाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर खोल लूँगा। घर का फर्श भी गंदा नहीं होगा और फिर बाहर के बाहर ही खुल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने जाकर बाइक का डबल स्टैंड लाना है, क्योंकि जो इंजन में खोलूँगा, इंजन खोलने के लिए गाड़ी डबल स्टैंड पर खड़ी करनी पड़ती है। तो मेरी बाइक में जो डबल स्टैंड था वो पहले गल के टूट गया था, तो वो मैंने निकाल दिया था। अभी सबसे पहले मुझे डबल स्टैंड ला कर लगाना पड़ेगा। और अब पापा बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर कैरियल भी लगा, सीट के पीछे कैरियल होता है, तो फिर वो भी लेकर आऊँगा, वो भी लगाना है। तो जल्दी जल्दी से जाता हूँ और फिर सामान लेकर आता हूँ और फिर स्टार्ट करता हूँ, और थोड़ा थोड़ा सा आप सबको भी दिखाऊँगा। चलें भाई, जो है मैं दुकान पर आ गया हूँ और ये मैकेनिक की दुकान है। फिलहाल मैंने यहाँ से सामान लेना है बाइक वगैरह का, और यहाँ से कैरियल भी लेना है, कैरियल भी काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। तो अभी भाई से मैं सामान निकलवाता हूँ और फिर दिखाता हूँ। चलो भाई, सामान शामान तो ले आया मैं, और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कम लाने का, लेकिन मैं ज़्यादा ले आया। तो फिर अभी अंदर जाता हूँ और बाइक भी अंदर करता हूँ और फिर खोलता हूँ। चलें भाई, मैंने बाइक अंदर कर ली है और अभी मैं आप सबको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ख़राबी थी। ये दिखने में तो बिल्कुल ही ख़त्म नज़र आ रही है, कबाड़ा कचरे में फेंकने वाली, लेकिन ये कचरे में फेंकने वाली है नहीं, इसको चला सकते हैं। इसके ऊपर ही मैं बैठ के जाता हूँ। और मेन चीज़ ये कैरियल लगाना था नेहा, क्योंकि मुझे कैरी थी, मैं पीछे बैठती हूँ तो पकड़ने के लिए कोई चीज़ भी नहीं है इसके अंदर, तो मैं वो कैरियल भी लेकर आया हूँ। और पीछे जो है इसका ये पीछे वाला मरगार्ड, ये भी नया लेके आया हूँ, क्योंकि ये गल चुका है। बाइक चलाते मुझसे पीछे बाइक होती है उनके ऊपर कीचड़ जाती है, तो खैर ये मरगार्ड भी ले आया हूँ मैं और ये कैरियल भी ले आया हूँ। और जो मेन चीज़ थी वो बाइक की ये थी कि इसका जो है ये इंजन का सिलेंडर ये हो चुका है अंदर से पूरा ख़राब। इसके अंदर पिस्टन होता है, वो 2-3 दफ़ा हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने वो 3 दफ़ा चेंज कर लिया है, मतलब कि इसकी लिमिट पूरी हो गई है। अब ये दोबारा इसके अंदर पिस्टन न्यू नहीं लग सकता, तो इसलिए मैंने ये पूरा सिलेंडर ही ले लिया। तो खैर अभी मैंने सामान सारा अंदर रख दिया है, तो अंदर जाता हूँ और फिर पापा को भी दिखाता हूँ। आप सबको भी पता चल जाएगा कि कितना सारा सामान लाया हूँ और कितना महंगा सामान मिला है। भाई यहाँ देखें, पापा सामने बैठे हुए हैं और सारा सामान पापा के पास ही रख दिया है मैंने। और पापा अभी देख के ये भी बताएंगे कि कौन सा सामान हल्का है। जो आपको हल्का लगे वो सामान देख के मुझे बता दो, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से सही चीज़ लाया हूँ। दो दो तीन तीन किस्म की चीज़ें थी, हल्की वाली, फिर उससे अच्छी वाली, फिर उससे अच्छी वाली, मैं अच्छी वाली चीज़ें लाया हूँ। पिछली दफ़ा जब हमारे ये लगा हुआ था ना, क्या बोलते हैं इसे, ये डबल स्टैंड, डबल स्टैंड, तो वो थोड़ा सा टेढ़ा था, जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी टेढ़ी खड़ी होती थी। हाँ वो इसमें टेढ़ा तो कोई था, फ़र्क नहीं है ना? नहीं ये मैंने दुकान पे अच्छे तरीके से चेक किया है, बिल्कुल सीधा था। ये वैसे तो मुझे भारी नज़र आ रहा है, ये पहले वाले से शायद भारी है। हाँ ये मैंने तीन तीन किस्म के देखे थे। अब ये दुकान का भी फ़र्क होता है। अगर तुम छोटी मोटी दुकान से लोगे तो सामान लोकल सामान मिलेगा, नहीं बड़ी दुकान से लिया है मैंने। और ये भी लिया है तो तू अच्छा करा, क्योंकि हमारी गाड़ी में ना अक्सर पीछे का डबल बंदा बैठता है, तो वो पीछे पकड़ने वाला नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, पीछे कैरियल कैरियल, पीछे बैठा हुआ होता है ना। अभी मैं बैठता हूँ, कभी पीछे नेहा बैठ जाती है, तो नेहा बैठी हुई होती है बिल्कुल किनारे पे,
हाँ अब ये बिल्कुल पीछे रहेगा तो थोड़ा सा वो पकड़ के बैठ जाएगी इनके स्टैंड, तो ये भी अच्छा हुआ तो लेकर आ गया, क्योंकि हर दफ़ा बोलता हूँ मैं। चल ठीक है, सही है, ये भी आ गया। ये मरगाड भी ले आया। मडगार्ड का तो नहीं बोला था तूने? अच्छा, नहीं बोला नहीं था, मैंने सोचा कि गला हुआ बाइक का पूरा पीछे वाला। एक लाया है। हाँ एक ही लाया हूँ, आगे वाला बिल्कुल सही है। चल सही है, ये भी सही है, लिया है तो गला हुआ है तो फिर तो डालना चाहिए। तो क्योंकि वो पूरा बहरहाल टूटा हुआ जो, है। हाँ, मेन जो चीज़ थी वो तो लेकर आ गया हाँ ये मेन चीज थी बाइक के इंजन का सिलेंडर। है ना। ये सिलेंडर और ओरिजिनल है, ये बड़ा महंगा मिला है। महंगा भले महंगे की खैर है, लेकिन बस ये जो चीज़ होती है ना, ये एक दफ़ा डालते हैं बंदा तो अच्छा है। अगर लोकल डाल दोगे हल्के वाली तो फिर ये गर्म हो जाता है, गर्म की वजह से ना इसका पिस्ट, ये क्या बोलते हैं, पिस्टन सीज हो जाता है, पिस्टन सील जाम हो हो जाता जाता है, है। गर्म हो जाता है, जाम हो जाता है। बहरहाल ये सही है, अगर भारी अच्छा वाला है तो ठीक है। हाँ अब ये ये तो, मैंने, ये भी अच्छे वाला लाया हूँ, अब ये बनने के बाद पता चलेगी, और उसके बाद ये छोटा समझा। मोटा सामान है वो जो इंजन के अंदर लगता है, जो जो मुझे याद थी चीज़ें वो तो सही मैं ले है। आया। अच्छा, ये बाकी चेन है छोटी वाली अंदर की, हाँ ये बाइक के इंजन की चेन है। सही है, छोटी छोटी, और जो बाकी चीज़ें रह जाएं थोड़ी थोड़ी वो हाथ के हाथ बाद में ले आई हो, क्योंकि सारी चीज़ें तो नहीं आई होंगी मेरे ख्याल हाँ में। वो तो अब जो जो मुझे याद था वो मैं ले आया। अब बाकी बाइक खोलूँगा तो पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ रहती है। और ये कितने नंबर का मिला है? ये 0 नंबर का है, मतलब कि पहला साइज़ है ये। सिलेंडर के अंदर 3 साइज़ होते हैं, ये तो अच्छा ये वाला हाँ तो है ना। ये भी सही है, बिल्कुल अच्छे वाला। चलो सही है, ठीक है भाई। एक काम और मैं बोल रहा था कि कलर और हो जाता है गाड़ी में तो अच्छा था, लेकिन कलर के लिए ना टाइम चाहिए, पूरी गाड़ी खुलनी चाहिए। इसी में ही मुझे पूरा दिन लग जाएगा ये थोड़ा सा तो सामान आज तो लगाने के मेरे लिए। ख्याल में नहीं बनेगी, या भी बनाएगा, खोलूंगा देखते हैं ये आज बनती है या कल हो जाता है इसके अंदर। लेकिन अभी खाना वाना खा, खाने का टाइम है दोपहर का, उसके बाद जो है ना गाड़ी को हाथ लगाइए। वैसे तो गाड़ी तो कंप्लीट ही सारी बना लेता है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके इसको आधा दिन में बन जाएगी मेरे ख्याल में हाँ है। चलो ठीक है, सही है, सही है, सारा सामान सही है। भाई बाइक का सामान तो मैं ले आया हूँ, और अब जल्दी जल्दी से इसको खोलने बैठता हूँ, क्योंकि मैंने मेरा सारा दिन लग जाएगा, या हो सकता है आधा काम आज करूँ और आधा काम कल करूँ। क्योंकि ये दिखने में तो थोड़ा सा सामान नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन जब मैं खोलूँगा तो कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ जाता है। तो खैर अभी जल्दी जल्दी से इसको खोलने बैठता हूँ और